This video is sponsored by English County, Mobile Master, Muhammad Furniture, Newson Fabrics Cloth Store, Upolis Fashion Store, Shweta Dentistry, Millennium Readymade Store and by Edify International School. जब तक कलबुर्गी के लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे है, कोई मेरे पास नहीं। केडी साहब का जमात के बारे में क्या प्रोग्राम है, मुसलमान के बारे में क्या प्रोग्राम है? शरीफ बीजेपी में था, मन जो तुम्हारे पास ही था। खरगे साहब के क़यादत में और गुत्तेदार के क़यादत में मेरे जितने भी पुराने साथी हैं उन लोगों के बीच में आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं 20 साल से पहले ही मैं कांग्रेस में हूँ। आज वो लोग मुझे बहुत प्यार किया है। वक्त जो मुझे उन लोगों को काम करने का जो चांस दिया उन्होंने, कांग्रेस वाले, उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए जीत के, खरगे साहब के जीत के लिए दिन रात हम पूरे बच्चे लोग काम करें। पूरे लोग बोलते थे, रशीद ही बोलते थे, क्या रे तू बीजेपी में चले गया, हम आपको क्या करना बोलते। वो डिफरेंसेस चले गया। शरीर बीजेपी में था, मन जो तुम्हारे पास ही था। आप बीजेपी छोड़ के जा रहे, क्यों जा रहे? मतलब क्यों रो भाई, तुमसे रहने के लिए कोई जवाब भी होना ना। यार तो मन इंटरेस्ट नान अदर बे चिंती नान जाती आ जाती लंबा हरिजन ये सब मेरे दिमाग में नहीं। जिंदगी तमाम उसके खिलाफ लड़ाऊं। उस वक्त मैं मोदी को देखकर नहीं गया था बीजेपी। मैं जब बीजेपी में गया था आनंद कुमार और आडवाणी और वाजपेयी साहब को देखकर गया था। ये मोदी आया, ये यांग मोदी मार दोनों ये सोची बड़े भाषण दौड़गी देशन का नाम कहेगा। भाषण के ऊपर किसी ने नहीं जीता लोगों के, जमहूरियत को किसी ने भाषण के ऊपर नहीं जीता। आपका प्रोग्राम क्या है दुनिया के सामने? गरीबों के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है? किसान के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है? केवी सहाना का जमात के बारे में क्या प्रोग्राम, मुसलमान के बारे में क्या प्रोग्राम है? हिसाब किताब परसों मैंने देखा तो ये 5 साल में जात पात और हिंदुत्व का इतना बड़ा जटिया बन गया है, लोग नफरत पे जी रहे हैं। यहाँ पर कैसे हो सकता हम लोग जीने के उस पार्टी में? मेरे छोटे मोटे जो भी गुनाहों को बुलाओ, साथ में लेकर चलो मेरे को, और आपको जिताने के लिए यहाँ के लोग तैयार है। वो बाकी के लोग पुकारते आने होता ना होता। संविधानद रक्षणेगागी ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭದಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು। ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ನೋಟ್ಬಂದಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? GST ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಯುಪಿದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು। जो वायदे आपने किए थे वो निभाए क्या? वो लोगों को मिला क्या? हम हिसाब आज वो मांगे और मेरा हिसाब भी आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं 5 साल चुन के आपने दिल्ली को मुझे भेजा। तुम पूछो मुझे 5 साल में मैंने क्या किया? क्या मैं वहां जाके सो गया? क्या मैं वहां जाके आपके बात को नहीं रखा? सारे हिंदुस्तान में 543 MPs में सबसे ज्यादा समय अगर किसी ने बिताया पार्लियामेंट में, वो आपके आशीर्वाद से मैंने बिताया। और ये बात मैंने खुद मोदी जी और उनके पार्टी के लोग उनके पार्टी में बोले हैं। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, चाहे वो बंजारा समाज हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का समाज हो, चाहे आज वोटर समाज हो, मातन समाज हो, मार समाज हो, कोई भी हो, आज जो इस डेमोक्रेसी में उनका हिस्सा बन के रह रहा है और उसको लड़ रहे हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये याद नहीं रहता, मोदी जो भूल किया है उस भूल को याद रखते मैं उसको तो इसमें मेरे से थोड़ी सी गलती होती है तो आप लोग माफ कर देंगे ऐसा समझता हूँ। ये मैं संभाल लेता हूँ सब। कोई ना कोई बड़ा भाई होना ना संभाल, अगर छोटा भाई गलती करता है तो बड़ा भाई को उसको सुधारना चाहिए। सारे भारत देश की आंखें इधर ही है, मेरे को समझ में नहीं आया। दिल्ली से लेकर गली तक मेरे पीछे लगे हैं। और मैं बोला भाई तुम दिल्ली से अभी आओ या ऊपर मंगलयान में अगर कोई राकेट में गया वो भी अगर कलबुर्गी आओ तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कलबुर्गी के लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे है कोई मेरे पास नहीं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय इंग्लिश काउंटी, मोबाइल मास्टर, मोहम्मद फर्नीचर, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, यूपोलिस फैशन स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री, मिलेनियम रेडीमेड स्टोर एंड बाय एडिफाई इंटरनेशनल स्कूल।